ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संस्कृति ज्ञान में। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे साल 2023 में आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत कब है, एकादशी तिथि का श्राद्ध कब किया जाएगा और इस दिन क्या करें क्या ना करें। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी होती है। पितृ पक्ष या श्राद्ध पक्ष में आने के कारण इस पितृ एकादशी भी कहते हैं। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु तो प्रसन्न होते ही हैं और साथ ही पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी का प्रभाव से जातकों को इस लोक के सुखों के साथ वैकुंठ की प्राप्ति होती है। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2023 में इंदिरा एकादशी या पितृ एकादशी व्रत की सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले कुछ जरूरी कामों के बारे में। इंदिरा एकादशी शुभ मुहूर्त 2023। साल 2023 में इंदिरा एकादशी का व्रत 10 अक्टूबर मंगलवार को रखा जाएगा। पारण का समय रहेगा 11 अक्टूबर 2023 सुबह 5:59 से सुबह 8:19 पर। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होगी शाम 5:37 पर। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 9 अक्टूबर 2023 को दोपहर 12:36 पर। एकादशी समाप्त होगी 10 अक्टूबर 2023 को दोपहर 3:08 पर। इंदिरा एकादशी पूजा विधि। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप की पूजा का विधान है। इस दिन प्रातःकाल दैनिक कार्यों से निर्वृत्त होकर स्नान कर व्रत का संकल्प लें और सूर्य देव को जल का अर्घ दें। भगवान विष्णु जी की प्रतिमा या तस्वीर को गंगा जल से स्नान कराकर उन्हें पुष्प चंदन तुलसी की पत्ते और अक्षत चढ़ाएं, धूप दीप करें। इसके बाद भगवान विष्णु जी को पीले चीजों का भोग लगाना चाहिए। अंत में व्रत कथा का पाठ कर आरती और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर अगले दिन व्रत का पारण करें। इंदिरा या पितृ एकादशी उपाय। शास्त्रों के अनुसार यह एकादशी पितृ पक्ष या श्राद्ध पक्ष में आने के कारण बहुत ही खास होती है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा के बाद पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण और दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा कर फलाहार करना चाहिए और गाय कौवे व कुत्ते को भोजन कराने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दर्शकों, आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।